आज यहाँ पर बीजेपी की इस बैठक में इस माल्यार्पण कार्यक्रम में देखा गया था, तय कार्यक्रम इस कार्यक्रम को आज ही जोड़ा गया है। अब माल्यार्पण का जो कार्यक्रम संपन्न करके गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में एक्सक्लूसिव तस्वीर चौबीस 2014 हो या 2017 या 2019, तीनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से ही माल्यार्पण कर चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और इस बार जब 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो गृह मंत्री अमित शाह पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चुनावी अभियान की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आज पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी है और ऐसे में पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित कर यहाँ से चुनावी अभियान का आगाज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपनी सरकार को ले आना चाहते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ आते हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए और विक्ट्री का सिंह साइन दिखाते हुए अमित शाह, ये कॉन्फिडेंस है जो दर्शाता है कि क्यों अमित शाह को आखिर चुनाव के मसले पर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी बैठक कर रही है वाराणसी में, उससे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार तीसरी बार करते हुए और विक्ट्री का सिंह साइन दिखाते हुए अमित शाह, ये कॉन्फिडेंस है जो दर्शाता है कि क्यों अमित शाह को आखिर चुनाव के मसले पर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी बैठक है उससे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर आगे बढ़ते हुए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।